सूचना मिली है, देख सकते हो। अरे सांप ये बैठा हुआ सामने, देख सकते हो। इधर जाओ, इधर जाओ, उधर आ गया। फोन निकालना, कोई आ गया, आ गया, आ गया। चलो साहब, ये रेस्क्यू किया था हमने, और ये दूसरा सांप है जो कल आज ही ये मुर्गी वगैरह हमने खा रखी है, इसको हमने रेस्क्यू कर लिया। आइए इसको जंगल छोड़ दो, आओ। ये देख सकते हो अभी सोना फार्म से, ये कौन सी जगह बताइए, चांदपुर फार्म से। और ये कल भी एक रेस्क्यू किया था हमने, अजगरी था वो भी, और ये भी अजगर है, अभी हमने रेस्क्यू किया है, देख सकते हो। और ये क्या होता है, मुर्गी खाने के चक्कर में ये फार्मों में घुस जाते हैं, नुकसान देते हैं उनको, और इस चक्कर में ये फार्मों में ऊपर आ जाते हैं, इसे हमने रेस्क्यू किया और जंगल छोड़ेंगे इनको। ये जो अभी हमने अजगर पकड़ा है, ये लगा लो कि उनने ये 20-25 मुर्गियाँ करीब उनने मार दी फार्म के अंदर आन के। ये बहुत बड़ा नुकसान ये सांप करते हैं, और हमारा सभी से कहना है कहीं भी आपको सांप दिखें, कहीं भी आपको सांप दिखे तो आप तुरंत कॉल करें, बताएं। कोई नंबर नहीं मिलता, आप 100 नंबर पर कॉल कर देंगे, 112 पर कॉल कर देंगे, तब भी सूचना हमें मिल जाएगी। हमारे विभाग को कॉल दे दें। भाई साहब, आप यहाँ के इंचार्ज, कितने मुर्गियाँ लगभग मार दी हैं? 20-25 मुर्गियाँ, 20-25 मुर्गियाँ मार दी ना, और कितना टाइम हो गया चाहे वे? ये सुबह 6:30 करीब लगभग बता रहे हैं, 6:30-7 के लगभग ये ऊपर आया। इतनी देर में इन्होंने 20-25 मुर्गियाँ मार दी, अभी लगा लगा एक आध घंटा और आ जाता तो पता नहीं कितने मुर्गियों को अपना निशाना बनाता। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है फार्म वालों के लिए, और हमारा सभी से कहना है कि आप ध्यान रखें, कहीं भी दिखे और आप कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, और आप भी थोड़ा सा इसमें क्या है, चौकीदारी रखा करें, आदमी खड़ा करा करें, कहीं भी ऐसी कोई घटना हो तो अपने तुरंत ध्यान रखें और मुझे सुझा दें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।